नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आलोक इंडस्ट्री का जो शेयर है उसके बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्या हम इसमें बाइंग करें, क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों बता दें कि अभी आपको बहुत सारे ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, तो निश्चित है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही है कि आलोक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। और रिलायंस से और JM फाइनेंस दोनों मिलकर के एक्वायर किया है। इससे पहले आप देखते होंगे कि हम बहुत सारे जो है ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक ही आपको रिकमेंड करते हैं, और बहुत ही कम वैसे शेयर होते हैं जो कि छोटे वैल्यूएशन के होते हैं, या अभी जो हमारे हैं बहुत सारे स्टॉक्स वो सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, मतलब 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ के वैल्यूएशन पे। लेकिन जो कंपनियाँ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, और जिनके शेयर पहले 200 300 हुआ करते थे, अभी आपको 50 रुपीज़ में मिल रहे हैं। तो जब इतने अच्छे अच्छे शेयर आपको बहुत ही लो वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, ब्लू चिप कंपनियों के भी शेयर आपको लो वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो निश्चित है आप उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन चलिए हम इसमें आलोक इंडस्ट्री के कंप्लीट एनालिसिस को करेंगे, उसके बाद आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम पूरी तरह से इसके फंडामेंटल एनालिसिस को करेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पीछे का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अब जो आलोक इंडस्ट्री है वो डेब्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि उसे JM फाइनेंस और रिलायंस दोनों मिलकर के एक्वायर कर चुका है। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, स्टॉक मार्केट के वीडियोस को देखिए और उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, इसका करेंट प्राइस चल रहा है कितना, 7 रुपीज़ 25 पैसा। और इसका जो रीलिस्टिंग हुआ है वो देख सकते हैं आप यहाँ से 20 फरवरी से। जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आलोक इंडस्ट्री के जो शेयर है वो आपको 20 फरवरी से ही अब आपको दिखाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हम मैक्सिमम ईयर कर दिए हैं, 5 ईयर्स भी कर देते हैं तब पर भी चार्ट यही रहेगा, क्योंकि पीछे का जो आलोक इंडस्ट्री था उसे भूल जाइए, अब इसे रिलायंस और JM फाइनेंस एक्वायर कर चुका है। और जैसे फिर से आलोक इंडस्ट्री का शेयर जो है ट्रेडिंग के लिए खुला 20 फरवरी को, तो ये 19 रुपये के आसपास खुला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 भी खाए, 17 रुपीज़ 70 पैसा दिखा रहा है। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आता ही गया, देख सकते हैं, और लो बनाया 3 रुपीज़ 80 पैसा का, और उसके बाद फिर से ऊपर चलता गया। तो देख सकते हैं इस तरह से इसका कुछ अभी तक का जो चार्ट रहा है, अभी जो 20 फरवरी से इसका ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद हम सारे इसके न्यूज़ के एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, वाइल्ड अप्रूविंग RS 5052 करोड़ बिड ऑफ रिलायंस फॉर आलोक इंडस्ट्री ऑन March 8, 2019 NCLT डिडेंट गिव इट्स अप्रूवल टू रिलायंस। पहले रिलायंस को अप्रूवल नहीं दिया था, फिर बाद में रिलायंस को अप्रूवल मिल गया, कितना के बिड में, 5052 करोड़ के बिड में, रिलायंस इंडस्ट्री और JM फाइनेंस। तो यहाँ देख सकते हैं मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री और JM फाइनेंस जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, JM फाइनेंस एसर्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जीत लिया लेंडर्स अप्रूवल को टू बाय इंसॉल्वेंट टेक्सटाइल फर्म आलोक इंडस्ट्री। तो आलोक इंडस्ट्री का जो मुख्य काम है वो क्या करती है, ये टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, कपड़े बनाने का बिजनेस करती है। तो ये जो लेंडर का अप्रूवल मिल चुका है, उसके बाद का हम न्यूज़ देखते हैं। तो उसके बाद का न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ऑन February 29 सेड एक्वायर्ड 37.7%, इतना परसेंट का स्टेक जो है रिलायंस आलोक टेक्सटाइल कंपनी में रिलायंस जो है वो बाय कर चुका है, कितना का, 250 करोड़ का। और यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान आलोक हैज अलॉटेड इतना करोड़ शेयर ऑफ ₹1 एट ए प्रीमियम ऑफ 2 इक्विटी शेयर। तो ₹1 फेस वैल्यू का जो शेयर था उसे ₹2 के प्रीमियम पर आलोक इंडस्ट्री ने एक्वायर किया, तो कुल हो गया कितना, ₹3 पर शेयर से कुल इतना करोड़ का शेयर एक्वायर किया। देख सकते हैं इतना करोड़ शेयर, मतलब 83.33 करोड़ शेयर जो है ₹3 के रेट से एक्वायर किया, और कुल वैल्यू कितना हो गया उसका, 250 करोड़। तो ये था कुल
इसका समरी जो रिलायंस 37.7% का स्टेक लिया आलोक इंडस्ट्री में ₹3 पर शेयर के रेट से। 9% जो है ऑपरेशनल कन्वर्टेबल प्रिफ्रेंस शेयर भी लिया 250 करोड़ का। उसके बाद का हम न्यूज़ देखते हैं, ये सारा प्रोसेस होने के बाद जब फिर से ट्रेडिंग शुरू हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको लाए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने के लिए जो NSE की वेबसाइट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग है अभी भी वो है 6.15% और वहीं 19 फरवरी को तो कितना था 9.87% और 28 फरवरी को हो गया 6.15% और सारा का सारा जो है 93.86% वो है पब्लिक के पास। तो कुछ इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और आपको दिखा देते हैं जो लास्ट ट्रेडिंग डे है, उस ट्रेडिंग डे में देख सकते हैं आप यहां पर 1,36,63,283 करोड़ इतना शेयर ट्रेड हुआ है, जिसमें से देख सकते हैं 84,67,624 इतना शेयर जो है हमारा डिलीवर हुआ है। और डिलीवरिंग परसेंट देखते हैं कितना हाई है, 61.97%, इतना परसेंट शेयर जो है वो डिलीवर हुआ है। तो इस देखने के बाद हम आपको यहां पर लेकर आए, चलिए इसका ओवरव्यू एक बार आपको दिखा देते हैं। तो आज देख सकते हैं कंपनी में एक तरह से कहीं अपर सर्किट लगा हुआ था। 1 वीक में चार्ट देख लीजिए कैसा रहा है, देखते हैं कभी इसमें अपर सर्किट तो कभी लोअर सर्किट रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार इधर जो है एक महीने में लगातार अपर सर्किट देखने मिला और फिर यहाँ पर लोअर सर्किट फिर अपर सर्किट, तो कुछ इस तरह का इसका व्यू है। आप देख सकते हैं पैटर्न इस तरह का बना है। यहाँ पर जो है ये फिर से रिलिस्ट हुआ, उससे पहले कुछ दिनों तक इसमें ट्रेडिंग बैन था, फिर यहाँ से देखते हैं लगातार डाउन सर्किट क्यों लगा, क्योंकि पीछे का न्यूज हमने आपको दिखाया रिलायंस जो है शेयर बाय किया ₹3 के रेट से और 37.7% का स्टेक लिया ₹3 पर शेयर के हिसाब से। इसलिए आप देख सकते हैं जब ये खुला तो बहुत ही हाई प्राइस पे था, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोअर सर्किट लगते गया और ये प्राइस बहुत ही नीचे तक आया ₹3.80 तक। तो कुछ इस तरह का रहा। अब हम आपको आगे के सिनेरियो दिखाते हैं कि आपको कितना परसेंट अभी जो है इसमें शेयर होल्डिंग किस व्यक्ति का है या किस इंस्टीट्यूशन का है। तो यहाँ पर लेकर आए हैं, आपको देख लीजिए जो हमारा आलोक इंडस्ट्री है उसमें म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड का मतलब यहाँ पर होल्डिंग है, मतलब इन्वेस्टमेंट है और मात्र 200 शेयर। उसके बाद FPI का देख सकते हैं, 4 FPI का इतना शेयर है। उसके बाद आप देख सकते हैं LIC का भी इसमें शेयर होल्डिंग है, LIC देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं LIC का भी होल्डिंग है, LIC के पास कुल इतना शेयर है। वहीं इंश्योरेंस कंपनी के, 2 इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना शेयर है। और नीचे आते हैं और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जिनका 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है, तो कुल बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये है 2,05,685 पीपल, इतना आदमी जो है मतलब जो 2 लाख से कम का इन्वेस्ट किए हैं रिलायंस में, मतलब आलोक इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख से कम, इतना कुल इन्वेस्टर हैं। और जो 2 लाख से अधिक किए हैं तो 6,195 इन्वेस्टर हैं जो 2 लाख से अधिक इन्वेस्ट किए हैं। और 1% से जो अधिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो एक है, देख सकते हैं रजुल कुमार शाह एक ऐसे इन्वेस्टर है जो 1% से अधिक का स्टेक लिए हैं आलोक इंडस्ट्री में इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रूप में। तो देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर एक, तो उसी तरह से आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं सारे किसके किनके पास कितना शेयर है आलोक इंडस्ट्री का, वो सारा यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो हम सारे एनालिसिस आपको करके दे रहे हैं, उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये निर्णय खुद आपको लेना है। उसके बाद आ जाते हैं प्रमोटर्स का, तो ये देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स में आप यहाँ देख सकते हैं सारे प्रमोटर्स, यहाँ प्रमोटर्स के नाम है और यहाँ जो फैमिली है देख सकते हैं इंडिविजुअल इंडियन फैमिली, इस फैमिली के पास देख सकते हैं कुल इतना 617 89 10 11 12 कुल एक ही
परिवार से 12 व्यक्ति हैं और 12 व्यक्ति के पास देख सकते हैं कुल इतना शेयर है। तो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स में ये सारे प्रमोटर्स हैं जिसके पास ग्रुप है। उसके बाद जो अदर स्पेसिफिक है यहाँ पर देख सकते हैं आलोक किंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको हम इस पेज पर लाए हैं यहाँ इस पेज पर दिखाने के लिए कि जो प्रमोटर्स के पास ये प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के पास जो भी शेयर है सारा का शेयर जो है प्लेस्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर प्लेस्ड और अदरवाइज देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सारा का सारा शेयर 99.99% शेयर जो है प्लेस्ड है, देख सकते हैं सारा का सारा शेयर क्या है प्लेस्ड किया हुआ है प्रमोटर्स के पास, जो भी स्टेक्स है वो सारा का सारा प्लेस्ड है। तो ये सारे चीज़ों से आपको अपडेट रखना इस वीडियो का उद्देश्य था कि आलोक इंडस्ट्री के बारे में आप हर चीज़ जानिए। हम आ गए हैं प्रोडक्ट पर, आलोक इंडस्ट्री कौन से प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखते हैं एप्रिल फैब्रिक्स देखते हैं, वुवेन फैब्रिक्स और ब्लेंडेड कॉटन यार्न वहाँ पर देख सकते हैं सारा आप यहाँ पर देख लीजिए। होम टेक्सटाइल ये सारे पॉलिस्टर FDY एसोसरीज हैंडकरचिप्स देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, बस इसका मार्केटिंग मतलब इसमें जो ग्रोथ है आगे अगर देखने मिलता है तो निश्चित ही ये कंपनी अब बहुत ही अच्छा करेगी। और इसमें जो आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी का हाथ है, मुकेश अंबानी के होते हुए भी इस शेयर का प्राइस जो लगातार डाउन जा रहा है यही एक सोचने वाली बात है। तो आगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होता है आपको कंपनी में ये देखना होगा, इसका इसमें किस तरह का ग्रोथ होता है कंपनी में ये देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप आलोक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने में अपना डिसीजन लेने में सक्षम हुए होंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।